इंटरनेशनल पर मैं वीडियो बना नहीं पाया, बट अभी अपन चेक कर रहे हैं लोका भाई ने ड्रॉप कर दिया भाई मुलाकात, दूसरा गाना एल्बम का। लोका भाई ने वैसे अपने लाइव पॉडकास्ट राज्य उनके साथ तो भाई बहुत कुछ चीजें बताई है कि अंदर कैसा माहौल था, क्या था, क्या करना पड़ता है। मुलाकात ऐसी चीज होती है कि आपके घर वाले मिलने आते हैं, आपके माँ बाप गर्लफ्रेंड भाई बहन जो भी रहेंगे। अपने को अर्थ रोड वाले वीडियो में भी देखने मिला था कि माँ उसे मिले आए थे, तभी भी मुलाकात हुई थी। तो अभी शायद लगता है गर्लफ्रेंड से मुलाकात हो, यू नो भाई। अपन देखते हैं भाई अपन गाना कैसा है, ज्यादा बकचोदी करते हैं, लेट्स गो द वीडियो। कम ऑन लोका मुलाकात कंटिन्यूएशन है। ओह मुझे लगा ही था कि गर्लफ्रेंड का है। तेरी आंखों से है मेरे बातें कुछ अधूरे, मुलाकात तेरी आंखों से, मुलाकात तेरी आंखों से है मेरे बातें कुछ अधूरे, मुलाकात तेरी आंखों से, मुलाकात। अच्छा अच्छा ये प्रॉपर मुझे लगा था कि ये भी ट्रैप मतलब रैप जैसे ही होगा, ऐसे पहला सॉन्ग ड्रिल था तो मुझे लगा था ये वाला गाना शायद ट्रैप होगा, बट नहीं ये क्या बोल सकते हैं इसको, एक टाइप ऑफ रेगे म्यूजिक बोलते हैं, बट रेगे नहीं है। इस बीट को क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया यार, बट जो भी है भाई पहली बार सुनने में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ऐसा लग रहा है, बट क्या पता मुझे और आगे अच्छा लगे। हो मैं तेरी आंखों से मुलाकात, तेरी आंखों से है मेरे बातें कुछ अधूरे, मुलाकात तेरी आंखों से, मुलाकात दूर हूँ मैं तुझसे और तू मेरे याद में, यादों में रहती तू है मेरे साथ में, तू आती मिलने मुझको मुलाकात। ये जो सेट रिक्रिएट किया ना बहुत अच्छा किया भाई, बिछाने इससे भी बदतर होते, उधर वो बाल्टी होती है पता नहीं कैसी होती है, बट 80% ऐसे होता है, 80% मेरे याद में, यादों में रहती तू है मेरे साथ में। भाई ना देखो ना भाई की मतलब आप वो सोचो वो फीलिंग कि आप जेल में हो और ऑब्वियसली आप आर्टिस्ट हो तो आप गाने ही लिखोगे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि जेल में टाइम पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। तू आती मिलने मुझको मुलाकात में, तू आती मिलने मुझको मुलाकात में, तेरे बिन रातों में मैं सोता नहीं, अब तो दिल बन गया पत्थर का ये रोता नहीं, ऐसा भी होगा ये मैं कभी सोचा नहीं, ये गलती मुझसे वापस होगा नहीं, तू खड़ी साथ में जब है कोई भी नहीं, तू मेरे यादों में है सोई ही नहीं, होठों पे लाली तेरे आंखों पे मस्कारा, नाइस तेरे तो आगे लगती कोई ही नहीं, तेरी आंखों से है मेरे बातें कुछ अधूरे, मुलाकात तेरी आंखों से, मुलाकात अब अच्छा लग रहा है, तेरी आंखों से है मेरे बातें कुछ अधूरे, मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अभी लोका एक रैपर है, तो एक रैपर जब भी सिंगिंग करता है तो थोड़ा सा सोसो लगता है, बट अभी जब सेकंड टाइम ये वर्स जब हुक ड्रॉप हुआ तब भाई वो हिट हुआ कि भाई यू नो कि आपसे कोई मिलने आता है बट कुछ चंद मिनटों के लिए मिल सकता है, फिर बाद में आप लगता है कि भाई बहुत कुछ बताना है बट बातें अधूरी रह जाती है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई गले मिले बट मिल नहीं पाते। अभी वो शॉर्ट में बेस बताया कि शॉर्ट में गले मिले थे बट नेक्स्ट शॉर्ट में गायब, और वो डांसर्स को देख के मुझे जावा वॉकिस की याद आ रही है ना, जावा वॉकिस भी ऐसे ही फेस मास्क पहन के हाथ में वाइट ग्लव्स पहन के डांस करते, बट बहुत अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है, मतलब जो बातों लिरिक्स को डांस के द्वारा बोल के और जो फीलिंग्स है वो प्रॉपर यू नो वीडियो में दिखा के बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, नाइस वीडियो भाई। आंखों में आंसू मजबूर हो गया, कल तेरे पास था आज मैं दूर हो गया, शीशा ये दिल मेरा ये चूर हो गया, फिर भी मैं कैसे मशहूर हो गया, okay. तेरी बातें
तेरी यादें नाइस बंधु आती तेरी आवाज ही मैं खामोशी हूँ और तू मेरी आजादी डरना नहीं तू अब मैं हूँ तेरे साथ में बातें हैं बाकी वापस आना मुलाकात में तेरी आंखों से है मेरे बातें कुछ अधूरे मुलाकात तेरी आंखों से मुलाकात तेरी आंखों से है मेरे बातें कुछ अधूरे मुलाकात तेरी आंखों से मुलाकात Loka was granted bail by Special NDPS Court on 26-23. No drugs received from Mumbai Rapid Air Point. Yeah, bhai, achhi baat hai, bhai. अच्छा यही है क्या भाई. सबसे पहले तो शाउट आउट टू मैट प्लग्स भाई, बहुत ही अच्छा बीट किया, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्यारा सा बीट प्रोड्यूस किया है. मतलब गाने के थीम के हिसाब से, गाने के बीट के हिसाब से वीडियो भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया है. You shout out to the video team as well, bhai. And I'm liking the way Loka bhai is putting out his music. एक एक वीडियो के द्वारा, एक एक स्टोरी, मतलब जैसे जैसे प्रॉपर हुई है वैसे वैसे प्रॉपर डिपिक्ट करने की कोशिश करी है. यू नो एम सी स्टैन ने बेस करा था तड़ी पार से, तो मुझे हल्का हल्का उसी के वाइब जाते हैं जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ या जब भी है ना लोका भाई की बात आती है. क्योंकि तड़ी पार एल्बम पूरी स्टोरी टेलिंग पे थी, तो ये भी एल्बम पूरी स्टोरी टेलिंग पे होने वाला है. यू नो एक चीज़ भी अच्छी लग रही है कि लोका भाई अपने वर्सेटिलिटी भी दिखा रहे इस एल्बम के द्वारा. तो जैसे कि एल्बम पूरी स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड है, तो यू नो हर एक गाना ड्रिल या ट्रैप या प्रॉपर हिप हॉप ना हो, एक मेलोडिक वाइब भी हो. तो जैसे अर्थर रोड हो गया पूरा ड्रिल सॉन्ग था, अभी ये वाला पूरा मेलोडिक था. इसमें लोका भाई की वर्सेटिलिटी भी दिखती है और जो सुन रहा है उस गाने को समझ भी पाता है. क्योंकि कुछ फीलिंग्स होती है जो सैड यू नो अधूरी जो फीलिंग रह जाती है, वो मेलोडिक वे में ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस की जा सकती है. तो भाई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इसको एक मेलोडिक गाना बनाते हैं और यू नो प्रेजेंट करते. बहुत अच्छा भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा है गाना. तो चलो मैंने आप बताओ आपको कैसा लगा है गाना, अपने रिएक्शन, अपने थॉट्स मुझे जरूर कमेंट करके बता देना. और बता देना लोका भाई का अभी एल्बम अभी तक का आपको कैसा लग रहा है. चलो मैं मिलते हैं इसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुझे करो जन्ना. साइनिंग ऑफ, पीस.